सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। कार्टून हर किसी के बचपन का अहम हिस्सा रहे हैं, और आज भी कार्टून ही एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे शौक से देखते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल पर ही क्यों ना हो। समय के साथ कार्टून और इनकी कहानियाँ भी बदल गई, लेकिन कुछ कार्टून हम में से कई लोगों के बचपन का अनमोल हिस्सा रहे हैं और ये आज भी पॉपुलर है। ऐसा ही एक कार्टून है डोरेमोन। डोरेमोन एक जापानी कार्टून है जो दुनिया भर के बच्चों के बीच बेहद पॉपुलर है। इस कार्टून का पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जब इसके लीड कैरेक्टर नोबिता की शादी उसके बचपन की दोस्त सिजुका से हुई तो ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। ये कहानी है एक लड़के जिसकी जादुई दोस्त डोरेमोन, जो बिना कान वाले बिल्ले की तरह लगता है, उसे हर मुसीबत से बचा लेता है। मगर हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने इस कार्टून शो से जुड़ी एक ऐसी जानकारी शेयर की है जिसे सुनकर काफी लोगों का न सिर्फ दिल टूट सकता है बल्कि बचपन भी बदल जाए। इस ट्वीट के मुताबिक डोरेमोन असली नहीं बल्कि सिर्फ नोबिता की कल्पना है। ट्विटर यूजर ने इस जानकारी का एक स्क्रीनशॉट भी अपने ट्वीट में लगाया है जिसमें लिखा है कि नोबिता को एक मेंटल कंडीशन जिसकी वजह से उसने डोरेमोन की कल्पना की और फिर उसे सच मान लिया। इसमें ये भी लिखा है कि 16 साल की उम्र में जब नोबिता ने मेडिकल काउंसलिंग लेना शुरू किया उस वक्त उसे बताया गया कि डोरेमोन हकीकत में नहीं बल्कि सिर्फ उसकी कल्पना है। ट्वीट करने वाली महिला ने इस थ्योरी पर सवाल उठाए कि अगर डोरेमोन सिर्फ नोबिता की कल्पना थी तो उसके सभी दोस्तों को वो कैसे दिखता था। कई लोगों ने इसके जवाब में कहा है कि उसके सभी दोस्त नोबिता की मानसिक स्थिति के बारे में जानते थे और इसी वजह से वो उसका साथ देते थे, उसकी बात पर यकीन भी करते थे। इसके साथ ही कई लोगों ने इस थ्योरी को और नोबिता की इस बीमारी को विस्तार से भी समझाया है। बताया गया है कि नोबिता डिल्यूजनल डिसऑर्डर नाम की मेंटल कंडीशन से ग्रस्त था। वहीं कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इस बात का जिक्र कभी भी कार्टून सीरीज में नहीं किया गया। दरअसल डोरेमोन सीरीज एक सच्ची कहानी से प्रेरित है और जिस लड़के की ये कहानी है उसने कथित रूप में खुद को गोली मार ली थी। उसी लड़के को ट्रिब्यूट के तौर इस कार्टून की शुरुआत की गई थी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।